अरे नीचे आ जा, नीचे आ जा। अरे गिर जाएगा बड़ा सचमुच में। नहीं, ये क्या तेरा रोज का कुछ जाओ। अरे भाई प्रभाकर, अरे कोई बोलो इसको। मंडिया ये अन्ना है ना, अन्ना उन्होंने मुझ पे हाथ गिराया मालूम। पापा हाथ गिराया नहीं, हाथ उठाया ऐसा बोलते हैं। लेकिन हाथ उठाने से थोड़ी ना कुछ होता है, चोट तो तब लगती है जब शरीर पे हाथ गिरता है। अरे लेकिन अभी तू गिरेगा। तुम लोगों को मालूम है क्या, वो निर्मिति है ना, निर्मिति उसने इसको बोला कि चौली भिगो दे, तो ये आस पड़ोस वाली औरतों की चौली लेके आया भिगोने के लिए। बाल्टी में भिगोई और बोलता है 3 दिन के बाद सारी चोलियां अंकुरित हो जाएगी। एक तो अभिषेक चला गया है, ऊपर से इसने जीना हराम कर दिया है मेरा। अभी ये आ गई, आजा आजा तू भी आजा, कर मेरा जीना हराम कर। बोला अभी पूछ, अन्ना काने में क्यों बोल रहा हूँ। अगो भाई लेकिन अन्ना मैं वड़ा और लहसुन की चटनी लेके आई हूँ। अरे वाह वाह वाह, दीदी दीदी बहुत भूख लगी है मुझे, इतना सारा सामान मैं स्वतः उठा के लेके आया, हाथ में छाले पड़ गए मेरे। देखो ये पैर में है खाली, वो छोड़ दे दे बाबा। दीदी शाबाश, शपथ। लहसुन की चटनी मत खाना। क्यों? मुझे अब भी याद आया, लहसुन की चटनी गिर गई थी। तू गिरी हुई चटनी परोसी क्यों तूने? अन्ना आप ही कहते हैं ना कि सिर्फ वड़ा नहीं परोसना चाहिए। अरे कैसे ऐसे गिरी हुई चटनी, क्या करूं मैं। एक तो अभिषेक चला गया है, ऊपर से ओपरा बाकर बेसन की जगह बाजरे का आटा लेके आया, और ये गिरी हुई चटनी परोस रही है। अभी जा, अभी लेके जा इसको, जा। बरा, चल जा यार। ये सब बाकी था जो ये प्रागार पंडित अंकुरित होने के लिए कपड़े भिगोता है। अभी क्या करूं मैं, एक तो अभिषेक। लेकिन अन्ना आपने ही तो अभिषेक काका को यहाँ से जाने दिया था। हाँ तो क्या करता मैं, नहीं ना है वो मेरा अपना बेटा। परे तू तो मेरा अपना बेटा है ना, हाँ चलो अभी नीचे। ठीक है। अरे ऐसा नहीं गिरेगा, सीढ़ियों से आ। नहीं, पहले मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे नहीं मारेंगे। नहीं दूंगा ऐसा वचन, दीजिए तो मैं कूद जाऊंगा। अन्ना वचन दे दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं वचन देता हूँ तो फिर निभाता हूँ। इसको अगर मैंने ऐसा वचन दिया कि मैं नहीं मारूंगा तो फिर सचमुच में नहीं मारना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसको मार रहा है तो मैं कूद ही जाता हूँ। अन्ना नरोवा कुंजरोवा कीजिए ना, अपने माँ बाप नहीं देखे क्या? अरे अमोल मेरे राजा बेटा, आजा आजा नीचे आजा, मैं तुझे नहीं मारूंगा 2 मिनट के लिए। तो फिर मैं नीचे आ जाता हूँ सीढ़ियों से। आजा बड़ा आजा। चलो अभी ये रख देता हूँ। बाप रे क्या मुसीबत, एक तो अभिषेक चला गया है। मंदारादा ये सबको ठीक नहीं हो रहा है। हाँ उज्ज्वला, अन्ना हर बात में एक ही बात कहते हैं कि मेरा अभिषेक चला गया। अभिषेक काका सिर्फ वाड़ा छोड़कर चले गए तो अन्ना का ये हाल है, अगर वो देश के बाहर न्यूजीलैंड चले गए तो क्या होगा? हमें मिलजुल कर कुछ तो करना चाहिए मंदारादा। डोंट वरी, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमेशा की तरह सारा इल्जाम मैं मेरे सर पे ले लूंगी। बरोबर है महेंद्र, बरोबर है। उन दोनों को न्यूजीलैंड जाने से रोकने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन उर्मिली बच्चों के सामने कुछ मत बोलना, क्योंकि ये लोग हमारा आइडिया ले लेंगे और फिर। और कोई दे ही नहीं रहा है ना, काश कोई आइडिया देता कि इस समय हमें क्या करना चाहिए जिससे गायत्री काकी और अभिषेक काका का न्यूजीलैंड जाना रुक जाए। काश महेंद्र काश, वो लाल पीला बेन मिल्कशेक की जीन्स अपनी बालकनी में सुखाते सुखाते बालकनी से धड़ाम करके गिर जाए और कोमा में चली जाए। अरे नहीं नहीं डोबी, ऐसा आइडिया मत दे बच्चों को। हाँ वरना मंदारादा उनको बालकनी में जाके धक्का दे देंगे। हालांकि वो है इस लायक,
लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो अभिषेक की मम्मी है। तो हम कैसे होंगे गुमराह, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमको क्या मालूम। हाँ लेकिन अभिषेक का पासपोर्ट अगर चोरी हो जाए तो कुछ हो सकता है। वैसे बच्चों हमने ये आइडिया किसी को दिया नहीं है। हाँ बच्चों ने तो इस पर सोचना भी नहीं चाहिए। बच्चे बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठता है। चल उर्मिली चल। हाँ हम लोग चलते हैं। हमने कुछ नहीं बोला किस बारे में। अभिषेक कॉफी। अभिषेक कॉफी। अभिषेक क्या किया तुमने? ये जलाली ध्यान कहाँ है? पता नहीं चला तुम्हें? दिल जल रहा है मेरा गायत्री, तुम्हें तो पता है। बेचारा मेरा बकुड़ा गिटार से दर्द भरी तान छेड़ रहा है। इस वक्त इसे छेड़ना ठीक नहीं होगा। अन्ना साहब को फोन करती हूँ। मंगिया जरा देखो। हेलो। हेलो अन्ना साहब, जय श्री कृष्णा। केम छो? मैं मजे में नहीं हूँ। मैं मजे में ही हूँ। मैं मजे में हूँ। एक माँ को उसका बेटा मिल गया, उससे ज्यादा खुशी क्या होगी एक बाप, एक कुछ सालों के बाप के लिए। देखिए अन्ना साहब, आप ये जो इमोशनल पैतृबाजी कर रहे हैं ना, उसका असर रसीला पे नहीं होने वाला। अरे नहीं नहीं, मैं कोई पैतरा बितरा नहीं आजमा रहा हूँ रसीला। देखो मैंने अपने मोबाइल में से उसका नंबर भी निकाल दिया है। मैं कर रहा हूँ, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ रसीला। पक्का प्रयत्न कर रहे हैं आप? हाँ। तो मुझे अभिषेक का पासपोर्ट नंबर दीजिए। क्या है ना, पासपोर्ट तो आपने भिजवाया नहीं, तो पासपोर्ट नंबर ही दे दीजिए, मुझे उसके वीजा के फॉर्म में डालना है। वो तो नहीं दे सकता मैं। देखा, मैं कह रही थी ना, आप एक नंबर के पैतरेबाज हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। नहीं दे सकता से मेरा मतलब है कि मैं अभी दुकान पे हूँ ना, और वो पासपोर्ट घर पे है, मेरे कमरे में संभाल के रखा है। जैसे जैसे मेरे अभिषेक को संभाल के रखा था ना मैंने इतने सालों। मेरी? तुम्हारे? तुम्हारे अभिषेक। अच्छा मैं पासपोर्ट का नंबर भिजवाता हूँ घर पे जाके, ठीक है? अभी रख दो फोन। मैंने रख दिया है। हाँ अभी तुम भी, मैं भिजवाता। प्रभाकर को भेजा है ना घर पे हिसाब की किताब लाने के लिए, तो उसी को बोल दूँ क्या पासपोर्ट लाने के लिए मेरे कमरे में से? नहीं ऐसी भी क्या जल्दी है, घर जाकर के देता हूँ ना मैं स्वतः दोपहर में। मन्ना दादा आप तैयार हो ना? मेरे अन्ना का भक्त होने के नाते उनकी किसी वस्तु को चुराना मुझे शोभा तो नहीं देता, किंतु वो विदेश आवागमन पर। फिर से संस्कृत में चालू हो गए, सीधे सीधे जाके हिंदी में पासपोर्ट लेके आइए ना। हाँ मन्ना दादा, अब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मन्ना दादा रेडी? ऑल द बेस्ट। धन्यवाद बन्ना। आइए। रुकता नहीं समय, क्योंकि उसे चलना होता है। अरे बाप रे प्रभाकर काका, गीत नहीं ऐसे ऐसे लिखना है मेरी हिंदी के नोटबुक में, और उसमें मुझे आपके सुझाव चाहिए। विषय है भारत की आर्थिक समस्या। मुझसे तो घर की आर्थिक समस्या पे कोई सुझाव नहीं लेता। तुम भारत की कहाँ बात कर रही हो? कोई कुछ काम करने ही नहीं देता। अन्ना कैसे काम देते हैं मुझे पता है। प्रभाकर मैं मेरे हिसाब की किताब भूल गया हूँ कमरे में, लेके आओ। अरे बाप रे वही लेने आया था मैं। मेरा मतलब है कि आप ऐसे में मदद मत कीजिए।
लेकिन एक कविता का अर्थ तो समझा सकते हैं ना आप? कविता? ये हुआ ना मेरे लायक काम। बोलो कौन सी कविता का अर्थ जानना है? सोचने दीजिए। अरे अन्ना के कमरे से आवाज कैसी आई? अरे प्रभाकर काका रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो आवाज आई ना। आवाज? नहीं तो कोई आवाज नहीं आई। कविता याद आई, मैं सुनाती हूँ। अरे चार बार सुनाती हूँ बोल चुकी हो, अब बोलो नहीं तो मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, आपके अलावा कविता समझाने वाला दूसरा कौन मिलेगा मुझे प्रभाकर काका? वो तो है। सुना सुना। दो मिनट और, काम होने ही वाला है। क्या? मेरा मतलब है कि कविता याद आने ही वाली है। अरे रुक रुक, वो याद नहीं आ रही है तो तू मेरी वाली तो सुन ले अर्थ के साथ। अभी इसका कोई अर्थ नहीं है प्रभाकर काका। और आपको अन्ना के हिसाब की किताब लेनी थी ना, जाइए जाइए जल्दी जाइए। अरे हाँ हाँ, तो फिर मैं शाम को मेरी कविता सुनाता हूँ। हाँ। ए उर्मिली, ये बच्चों की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला अभी तक, कहीं बच्चे अपने प्लान में फेल तो। शुभ शुभ बोलिए महेंद्र, शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ। महेंद्र बच्चे आ गए, मैं पूछती हूँ। अच्छा सुन, बोल के मत पूछना, इशारे से पूछना, कहीं किसी ने सुन लिया तो। मिला। ये क्या था? वो पासपोर्ट पे फोटो होता है ना, फोटो पे चेहरा होता है, उसके ऊपर थप्पा होता है, तो मैंने वो चेहरे पे थप्पा मार के पूछा कि पासपोर्ट मिला क्या। मिला क्या? ये तो ना बोल रहे महेंद्र, नहीं मिला पासपोर्ट, नहीं मिला। अभी क्या करेंगे महेंद्र? अरे उर्मिली इधर नहीं, उधर देख। मिल गया। काश अब तो भगवान को 25 नारियल चढ़ाने की मन्नत पूरी करनी ही पड़ेगी। क्या 25 नारियल? नहीं नहीं 25 नहीं, 50 50 नारियल, 50 नहीं नहीं 50 नहीं, 50 नहीं, 100 नारियल फाइनल। अरे डोबी, आज तू नारियल चढ़ाने में इतनी कंजूसी क्यों कर रही है? अरे महेंद्र मैं तो 500 नारियल चढ़ा दूं, लेकिन वो नारियल आपके सर पे फोड़ के चढ़ाने की मन्नत मानी है ना, इसलिए 25 रख रही थी। अरे औरत है ना, छोड़ेगी नहीं मुझे। अरे रसीला मैं देता हूँ, वो पासपोर्ट का नंबर पीछे पड़ गई हो तुम तो। पासपोर्ट तो नहीं है क्या? ये क्या नया शुरू कर दिया आपने अन्ना साहब? नहीं मैं सच्ची बोलता हूँ, मैंने कपाट में रखा था पासपोर्ट, लेकिन जिस जगह पे रखा था वहाँ पे नहीं है पासपोर्ट। समझ गए, ये आपका नया पैतरा अन्ना साहब। अब आप मुझे कहोगे कि पासपोर्ट जल गया, और आपकी वो समधनुर मिला बहन बोलेंगे कि नहीं नहीं जल नहीं गया, खाक हो गया। नहीं नहीं खाक नहीं हुआ, राख हो गया। फाइनल। और उसके बस माँ, एक साधु बाबा अपने सर पे लगा कि न्यूजीलैंड चले गए। क्यों? क्योंकि उसके सर पे मेरे बेटे का पासपोर्ट लगा हुआ था, है ना? बोलो। मैं क्यों बोलूंगा ऐसा? और रसिला देखो, एक बात ध्यान से सुनो, मेरे जीवन में है ना एक उर्मिला बहन बहुत है, अभी तुम्हें भी उर्मिला बहन बन के उनकी तरफ बोलने की आवश्यकता नहीं है, समझी ना तुम? और अन्ना साहब आपको भी नए पैतरे आजमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने कहा था ना आप पैतरे बाज। अरे मैं नहीं हूँ पैतरे बाज, मैं किसी भी तरह अभिषेक का पासपोर्ट ढूंढ निकालूंगा, मैं वादा करता हूँ। भगवान और एक वादा। अन्ना साहब आपने मुझसे इतने वादे किए हैं कि वो इकट्ठे करके रखने के लिए मुझे नया कपाट खरीदना होगा। कपाट? रसीला तुम वादे विदे को कपाट में रखती हो? वादा कोई वस्तु है क्या जो कपाट में रखा जाए? चुप, एकदम चुप।
अन्ना साहब, आप लोगों पे इतना व्यंग करते हैं और अगर किसी ने आप पे व्यंग किया तो आपको समझ में नहीं आता? मुझे बस मेरे बकुड़े का पासपोर्ट चाहिए, वो ढूंढ के निकाले बस। अरे ढूंढ निकालूंगा, अभी रखो फोन, मैंने रख दिया, अभी रखो, बहुत हो गया अभी तुम्हारा। मंदारा दा, अगर सपने अपनी निर्दोषता साबित कर दी तो आप खुशी खुशी सूली पे चढ़ जाना। क्या हुआ, आपको नहीं चढ़ना है? अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं अभी मेनका को बोल देती हूँ कि वो चढ़ जाए। क्या कुसुर पिसुर हो रही है? नहीं नहीं अन्ना, वो हम बच्चे ये सोच रहे थे कि आपके रूम के कबाट में से अभिषेक काका का पासपोर्ट लेने की हिम्मत की तो किसने की? हाँ भाई 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 भाई, मुझे ना क्या तुझे क्या ना, मुझे ना केशव भौजी पे शक है। क्या ओ भारती बनी, कैसे रिस्क है? अन्ना अन्ना, मैं ऐसा कशाला करवाना जी? अन्ना माँ कर तो लिया, अभी अगर जिंदगी में कभी भी गलत गुजराती मराठी का मिश्रण किया ना, डंडा लेके मारूंगा तुझे। भारती का शक बिल्कुल सही है, तूने ही लिया होगा पासपोर्ट, ताकि अभिषेक का पासपोर्ट अगर ना मिले तो अपना पासपोर्ट आगे करके बोल सकता है ना तू कि रसिला मम्मी, अभिषेक नहीं जा पाएगा तो मुझे ही ले जाइए न्यूजीलैंड। इसका छोड़ो, फिर से मेरी बात पर आओ, पासपोर्ट किसने चुराया है? मम्मी ने। मैंने? हाँ अन्ना, मैंने देखा आपके रूम में जाते हुए मम्मी को। मैंने कहा अन्ना झूठ झूठ बोल रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई 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 भाई, निर्मिति तुझे दाढ़ी आती है? दाढ़ी तो भारती की मौसी की लड़की गोमती को आती है, फ्रेंच कट, उसमें गजरे भी लगाती है। अब बस दूस क्या, निर्मिति तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? तुमने चुराया है क्या पासपोर्ट? शाबाश, जीती रहो जीती रहो। अन्ना, वो मैं नहीं बोला, वो मैं नहीं बोला, वो तो मैं बोला कि जीती रहो जीती। मेरा है ना दो मन है, वो एक मन चाहता है कि रसिला के साथ न्याय हो और दूसरा मन चाहता है कि अभिषेक यहां से ना जाए, तो ये शाबाश जीती रहो वो मैंने बोला। बाकी मैं तो बहुत गुस्से में हूँ, नाराज हूँ कि निर्मिति ने पासपोर्ट चुराया करके। मैंने पासपोर्ट नहीं चुराया अन्ना। तो पासपोर्ट गया किधर? ढूंढो, चलो पासपोर्ट ढूंढो। और देखो, जो भी पासपोर्ट ढूंढ के लाएगा ना, उसको मैं स्वतः बहुत बड़ा इनाम दूंगा। इनाम? ढूंढो, चलो पासपोर्ट ढूंढो। और देखो, जो भी पासपोर्ट ढूंढ के लाएगा ना, उसको मैं स्वतः बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अन्ना, मैं ढूंढ के लाऊंगा, किसी ना किसी का पासपोर्ट तो जरूर ढूंढ के लाऊंगा। किसी ना किसी का? रूस क्या, ये क्या सिनेमा का टिकट है कि टिकट मिला तो कोई भी सिनेमा देखने जा सकता है? अरे पासपोर्ट है, जिसकी फोटो लगी होती है ना पासपोर्ट पे, वो ही जा सकता है विदेश। तो हमको अभिषेक की फोटो वाला पासपोर्ट चाहिए, चलो ढूंढो फटाफट। अगो भाई अन्ना, लेकिन कहीं हम पासपोर्ट ढूंढते ढूंढते थक के मर गए और फिर भी पासपोर्ट नहीं मिला तो? जीती रहो जीती रहो। आहो मैं शांत ही हूँ। बरा बरा, मतलब हम पासपोर्ट ना ढूंढे और जीती रहो। आहो आप ये क्या बोल रहे हैं? ये मैं नहीं बोला, ये तो मैं बोला। बाकी मैं तो बहुत गुस्से में हूँ, बहुत नाराज हूँ। बरा बरा, अरे बाइक क्या गए, पासपोर्ट ढूंढो ना। आप चाहते हैं ना कि पासपोर्ट ना मिले? वो तो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं ना चाहता। अरे मैं भी चाहता हूँ कि पासपोर्ट मिले, क्योंकि अगर अभिषेक नहीं जा पाया तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा न्यूजीलैंड। अब तो
पासपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अप्रतिम, अरे फिर से मेरी बात सुने, जाके पासपोर्ट ढूंढो। अरे मेरी बात मत सुनो। आपके कौन से वाले मन की बात सुने और कौन से वाले मन की बात ना सुने वो समझ में नहीं आ रहा हमें। मैं समझाती हूँ ना, जब तक पासपोर्ट नहीं मिलता तुम्हारे अन्ना इस घर में अन्न और पानी ग्रहण नहीं करेंगे। अगोई, कौन से वाले अन्ना? अरे इनके मन दो है, शरीर तो एक ही है ना। तो इस घर में तेरे अन्ना का शरीर अन्न और पानी ग्रहण नहीं करेगा, समझ गए ना सब? चलो अब पासपोर्ट ढूंढो। मेरे अन्ना भूखे प्यासे रह जाएंगे, क्योंकि अब तो पासपोर्ट मिलने से रहा। उज्ज्वला, क्या हम बता दें कि पासपोर्ट कहाँ है?